हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक और स्टॉक मिला है ग्लेनमार्क फार्मा, और इसका चार्ट भी बड़ा बुलिश लग रहा है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी इसने बड़ी स्ट्रांग अप मूवमेंट आई है, जो एकदम अपने मेजर रेसिस्टेंस के पास आके रुक गई है। और पूरी उम्मीद है कि हो सकता है मंडे को ये ब्रेकआउट दे ही दे, क्योंकि थर्ड टाइम इसके पास है और इसी के आसपास काफ़ी जैसे कंसोलिडेशन कर रही है। ये देखिए दोस्तों, इस छोटी सी रेंज के अंदर चल रहा था अभी थी देते टाइम से, और इस बार काफ़ी स्ट्रांग दिखाई है। और अगर मंडे को कल जैसे कल मंडे को अपने मार्केट सेंटीमेंट बड़े अच्छे रहते हैं, तो मेरे को लगता है ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। और ये अगर एक बार यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो उसका अगला सीधा टारगेट 700 लॉन्ग फिगर का ही होगा, क्योंकि उससे पहले इसके बीच में कोई भी ऐसा कोई मेजर रेसिस्टेंस नहीं है जहाँ पे जाके रुके। तो डायरेक्ट मेरे को लगता है यहाँ से 30-35 पॉइंट की मूवमेंट ये दे सकता है यहाँ से। और जो फ्राइडे को इसने बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अब दिखाई है, बाइंग भी बड़ी अच्छी दिखाई है। ये डे का चार्ट है दोस्तों, अगर इसको आप वीकली में करके भी देखोगे तो ये देख लीजिए दोस्तों, एकदम बुलिश मूवमेंट है। पहले थोड़ा बहुत नीचे आया पर बाद में बायर्स बड़े स्ट्रांगली इसको आप लेके गए, तो पूरी उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट दे ही देगा, इस बार रुकेगा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। हो सकता है गैप अप ही ओपन हो, या अगर गैप अप ओपन नहीं होता है और इसके नियर बाय ओपन होता है, जैसे अपन अगर इस चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखे तो लास्ट मूवमेंट में बड़ी स्ट्रांग बाइंग दिखी है इसमें। और अगर हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होकर सीधा ही अगर 5 मिनट की कैंडल का दोस्तों वेट कर देना किधर क्लोज होती है, अगर 5 मिनट की कैंडल के बाद जो उसका हाई ब्रेक होता है अगर मोस्टली ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, तो आप ये बाइंग इसमें ले सकते हैं। छोटा सा एसएल डाल के, एसएल बड़ा मत रखना दोस्तों। अगर ये वापस इस रिपीट होकर इस कैंडल के नीचे अराउंड 660 का आप एसएल लेके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं दोस्तों। और ये भी हो सकता है दोस्तों, ओपो एक बार गैप ओपन होके या थोड़ा बहुत ऊपर ओपन होके वापस इधर इसके आसपास इसके पास कंसोलिडेशन करना चालू कर दे। पर ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसमें छोटा सा एसएल बना के बाय कर सकते हो, और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 660 का एसएल होना ठीक है, क्योंकि 660 के नीचे आएगा तो फिर वापस वो इसी को 650 तक आने के चांस है। तो आप फिर अगर एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर तो बाय ऑन डीप पे रखिएगा, ताकि इसको टच करके वापस ऊपर जाए। पर मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छे रहते हैं तो ये डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। और फार्मा सेक्टर तो अभी अच्छी खासी बूमिंग पे ही है, जैसे इसका चार्ट का लुक भी बड़ा स्ट्रांग लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। इसको अभी 1 आवर में भी करके देखेंगे तो कंटिन्यू छोटी सी रेंज में ही काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, अराउंड 660। हाँ राइट, इसका हाई कितना है इस कैंडल का देख लेते हैं दोस्तों, ये है 672 और 648 के बीच में। हाँ मतलब ये देख लीजिए 648, 645 टू 48 और ऊपर से देख लीजिए 670 टू 75 के बीच में ये काफ़ी दिनों से घूम रहा है। तो पूरी उम्मीद है इस बार ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाँ फोर्थ ये करीब 4 टाइम इसके पास में आ रहा है। तो वैसे भी एक रूल्स होता है दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम कोई रेसिस्टेंट ब्रेक नहीं होता, सेकंड टाइम उसे थोड़ा वीक हो रहा था, थर्ड टाइम और वीक होता है, फोर्थ टाइम तो कम्प्लीटली वीक होता है। पूरे चांस होते हैं कि फोर्थ टाइम में तो ब्रेक, या थर्ड या फोर्थ में तो ब्रेक कर ही दे। तो थर्ड में नहीं हुआ तो पूरी उम्मीद है फोर्थ में कर ले, क्योंकि इसको सेलर नीचे नहीं लेके आ पा रहे, बायर से इसको बार बार ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट है, सो स्टॉक 200-200 ध्यान रखिएगा इसमें। अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 5 मिनट की कैंडल का हाई क्लोज हाई ब्रेक होने के बाद ही इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप इसमें बना सकते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर है 5 मिनट की कैंडल क्लोज है, उसके ऊपर हाई ब्रेक होता है उसमें बाय बनाए, और नीचे का ऐसा मेरे को लगता है अगर वापस 660 के नीचे आता है तो आप इसे एग्जिट कर लेगा, मुझे लगता नहीं आएगा। फिर भी ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक बड़ा अच्छा है, चार्ट में बुलिशनेस है और सेक्टर भी बड़ा बूम पे है। बस मार्केट सेंटीमेंट का ध्यान रखना दोस्तों, मार्केट सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो तो जब बहता है सब कुछ, तो सब कुछ फ्लो में सब कुछ ही नीचे आ जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया तो ये सब जो भी बुलिश दिख रहा है सब नेगेटिव हो जाएगा। सो ऐसा जरूर रखना दोस्तों, और पूरी उम्मीद है निफ्टी भी बुलिश ही रहेगा। निफ्टी बुलिश है तो ये सब बुलिश ही रहेंगे, ऊपर ही जाएंगे डेफिनेटली। अगेन एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। और पूरी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिएगा स्टॉक को दोस्तों, होपफुली मंडे को ऊपर ही आना चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे बनाने के। इसमें छोटे से एसएल पे अच्छा खासा काम हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 30-35 रुपये का फायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, गुड डे, और ध्यान रखिएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।